हाँ जी, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कौन है हमारे साथ? चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूं। मेरी इस आर्मी का फोर्थ स्तंभ पांडे सर, और जो बच्चे पिछली बार यहां से एयरफोर्स फेस टू की तैयारी करके गए हैं, मुझे पता है पांडे सर को देखने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट उनके लिए नहीं डालेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैंने इंटरव्यूज किए थे तो मैं पूछता था किसी और के बारे में और वो बताते पांडे सर के बारे में। तो जी हाँ, फेस टू का ऐसा सेक्शन यानी कि फिजिकल जो बहुत तंग करता है, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने पहले कभी फिजिकल किया ही नहीं है। जब रनिंग करने की बात आती है, पुशअप्स की बात आती है, ठीक है, स्क्वेट्स की बात आती है, तो बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं बच्चों को। लेकिन इसी चीज को आसान किया पिछली बार पांडे सर ने, और बार बार बच्चों का रिक्वेस्ट था सर पांडे सर को एक बार जरूर लाइए, तो इसी वजह से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया। वैसे तो सर बहुत कम कैमरे के सामने आते हैं, आप आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जबकि 2020 से ही हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, आप एक बार आइएगा और बच्चों से जरूर मिलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो सारे स्टूडेंट जो सर से पिछली बार यहाँ पर सर के अंडर में ट्रेन होके गए हैं और जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है या कोई फिजिकल नहीं कर पाया है वो भी, तो वो पांडे सर के बारे में जरूर बताएगा कि पांडे सर ने पिछली बार क्या किया आपके साथ, कितनी मेहनत की, जो भी थी, ठीक है। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं आने वाले स्टूडेंट्स के लेकर। सबसे पहले हम पांडे सर से जानेंगे उनके बारे में और फिर उनसे बहुत सारे बच्चों के सवाल जो है आज हम पूछेंगे। तो पांडे सर स्वागत है आप लोग आपका, और सबसे पहले आप अपने बारे में बच्चों को बताइए, हम तो जानते ही हैं आपके बारे में, और आप किस फोर्स में थे, कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कब आपने ज्वाइन किया, तो वो सारी चीजें बच्चे आपसे जानना चाहते हैं, प्लीज। सही बच्चों को राम राम। मेरा नाम के बी पांडे, मैं सुबेदार रैंक से रिटायर हूँ। मैंने पहला सब में 3 साल नौकरी की है, 3 पहला सब। उसमें से 3 साल में अनेजी ब्लैकर कमांडो जो गुड़गांव मानेसर में है उसमें नौकरी की है। 3 साल 22 यानी एसटीएफ नाम चलता में नौकरी की है, जो वहां पर एक सेक्शन एक प्लाटून होता है लड़कियों को उनके साथ चक्राता 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 तो ये अपना उत्तराखंड उत्तराखंड हाँ उसमें क्या है। और उसके बाद मैंने जो आर्मी के जो कोर्स किए हैं, मैं हवास जो सोना मार्ग में है उसका मैंने माउंटेन कोर्स कर रखा है। हवास में मैंने वहां ट्रेनिंग किया माउंटेन का, माउंटेन एक पहाड़ी के अंदर ऊपर कैसे आ जाता है और क्लाइंब कैसे करते हैं, नीचे डाउन होना है कैसे करना है, और दूसरा बर्फ में सिक्की कोर्स बोलते वो मैंने वो कर रखा। तीसरा मैंने जो है अनाइम स्कूल जो उत्तरकाशी में है उसमें मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, और मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गया था सिलेक्शन होके, गंगोत्री वन पीक पर चढ़ा हूँ। तो किसी कारणवश मतलब कुछ बॉडी मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने आर्मी जो कोर्स किए मैंने बचपन का हर एक ऑल राउंड जो भी हमारे आर्मी के हथियार है उनके बारे में मैंने सिखलाई पा रखी है। दूसरा मैंने एनबीसी कोर्स जो मुंबई में भावा सेंटर है उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। दूसरा मैंने जयपुर में आर्मी कमांडर का प्रोफेसर रह चुका हूँ 2 साल, और 2 साल में वाई चीफ दिल्ली के अंदर उनका प्रोफेसर रह चुका हूँ। मैंने सर इतने सारे कोर्स आपने किए हैं, मैं तो बहुत देर से कोर्स ही गिन रहा हूँ, आपने इतने सारे कोर्स किए हैं, मतलब दिल से सैल्यूट है आपको, इतने सारे आपने कोर्स किए हैं। सर ये तो करना ही पड़ता है क्योंकि आर्मी में बाय फोकस भी होता है फिर वॉलंटियर भी मांगा जाता है। ओके ओके, ये तो होता ही है, उसमें करना ही पड़ता है। भगवान के जैसे फिजिकल ठीक था, फिजिकल के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं जो भर्ती हुआ था, मैं आपको बताऊँ, जो भर्ती हुआ था लंबे में भर्ती हो गया था। अच्छा। और डायरेक्ट पहला असम में गया था, और मैंने 10वीं क्लास पास की थी। अच्छा। मैं डायरेक्ट फिजिकल अच्छा था, डायरेक्ट भर्ती में पहला असम में गया था। अच्छा। और मेरे को पता भी नहीं था पहला असम में होता क्या है। हाँ। और जो ट्रेनिंग वहाँ किया था तो फिजिकल अच्छा था हर चीज में, मतलब भगवान की देर से अच्छा ही रहा। अच्छा। और कभी भी कोई जो भी मेरा भी दे रहे होंगे हमारे आर्मी के अफसर भी, वो भी मेरे को देखकर बड़ा खुश होंगे। बेलगाम कमांडो में मैंने ट्रेनिंग करा था। अच्छा। बेलगाम कमांडो घातक कोर्स होता है जिसमें पर्याप्त करके देखा होगा आप लोगों ने, जिनमें नाना पाटी का ऊपर से छलांग लगा था पानी के अंदर। अच्छा पकड़ गया, वो ट्रेनिंग मैंने कर रखा। अच्छा। तो ये मेरे आर्मी के कोर्स हैं। तो ये तो हमारे जवान बेलगांव की तैयारी कर रहे हैं। जाएंगे पक्का, नहीं तो बहुत अच्छे भी बच्चे हैं। हाँ। जो अच्छे जोशीले भी है, और एक्चुअली में आर्मी के अंदर जोशीला ही होना चाहिए कि नॉर्मल आदमी कर नहीं पाता, जो
अपना जिसका बात दिल और जमा वो एक्चुअली में सही है। ठीक है, अच्छा पांडे सर एक क्वेश्चन इसी बीच में, वैसे आपसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जैसे इतनी लंबी आपकी ट्रेनिंग रही, इतनी मतलब इतनी लंबी जर्नी रही आपकी और आपने बहुत सारे कोर्स भी किए, जैसे कभी आपका कभी ऐसा पोस्टिंग भी आया कि आप कहीं बॉर्डर एरिया पे या कहीं ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको फॉरेस्ट में छोड़ दिया या कोई इमरजेंसी केस आ गया और कोई एडवेंचरस ऐसा कुछ रहा आपका कि सडनली आपको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो ऐसा कोई पोस्टिंग कभी कहीं पे हुआ आपका और कैसे फिर आपने उसको हैंडल किया, कैसे टैकल किया, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आया हो उसके बारे में बच्चों को? सर मैं ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में मैंने नौकरी कर रखी है। okay. मैं ग्लेशियर टू में चढ़ा हुआ हूँ उस पर ऐसे ऐसे मतलब वहां पर हम क्या था अपना शेल्फ रहते हैं, कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ अपना एक हफ्ते का या एक महीने का लिए हम जाएंगे तो क्या आपका 2 महीने भी लग सकते हैं ऐसी जगह पर रहा हूँ। दूसरा जेएनके का हर पहाड़ी, अगर मेरे को आज के डेट में कोई जेएनके में भेज दे और मेरे को वहां के मुख्य जो पुराने मुख्य थे उनका नाम उस गाँव का रास्ता कहाँ पर किस नाले का नाम क्या है वो भी मेरे को अभी तक पता है। दूसरा मैं नागालैंड में रहा हूँ, नागालैंड में 94 में वहां गया था, नागालैंड कोहिमा और इम्फाल बर्मा बॉर्डर तक गया, पूरा इलाका मैंने वहां पूरा मतलब ट्रेनिंग कर मतलब वहां मैंने सर्विस कर रखी है। सर वहां का टेम्परेचर जैसे कहते हैं माइनस में चला जाता है, तो क्या ये रियल है वहां पर कुछ? सर ग्लेशियर में -45 डिग्री जब तक जाता है। ओके, जहां पर जो है पूरा वो भी मतलब पानी भी जब बर्फ तो है ही सबको पता है, बर्फ को गर्म करके हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वहां पर नंगे आंख और नंगे हाथों से भी कोई चीज नहीं छूना है, मतलब हाथों से आंख में तो गूगल होगा चश्मा होगा, हाथ में अगर हम खाना भी खाएंगे तो चम्मच में टेप लगा होगा, प्लेट या प्लास्टिक की होगी और कोई भी चीज नंगा अगर पकड़ जाए तो वो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बावजूद भी हमारे सैनिक वहां खड़े रहते हैं। हमारे से सर बहुत टफ नौकरी है, ऐसा हर आदमी के लिए सक्सेस नहीं है, मेडिकल बहुत टफ होता है, ग्लेशियर 1 पे 2 पे 3 पे ये भी जो जिसका बॉडी टेम्परेचर या फिर उसका पल्स रेट बीपी जो भी है उस पहले चेक होता है वो मंदा ऊपर जाता है और होता है 3 महीने का टर्न, 3 महीने ग्लेशियर के अंदर नौकरी करनी है, 3 महीने बाद डाउन हो जाना है। ओके, हर एक का 3 महीने का टर्न, 3 महीने के लिए पोस्टिंग होती है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, नीचे बेस मारा जाता है, लेकिन वो 3 महीने लाइफ के बहुत चैलेंज, 3 महीने बहुत उसमें बहुत मतलब एक दिन एक साल के बराबर लगता है, बहुत बर्फ है और उसमें लगता है कि संसार में कुछ है ही नहीं, पूरा बर्फ के अलावा पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। भाई पांडे सर ने आपको बताया कि ग्लेशियर जब हम बात करते हैं सियाचिन की तो वास्तव में ऐसी चीजों के बारे में सुन के तब लगता है कि यार एक्चुअल में जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं और हमारे फौजी भाइयों की लाइफ को देखते हैं तो बहुत डिफरेंस नजर आता है और यही तो फौज की असली जिंदगी है। ठीक है, तो चलिए पांडे सर से और आपके बहुत सारे सवाल है, मैं उनके कुछ जवाब लेता हूं। तो सर जैसा लास्ट टाइम पे मैं लिटरली अगर कहूं जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो हर बच्चे ने आपका नाम हर बार लिया उसमें, अब दूसरा सवाल ये था बच्चे बार बार ये कहते थे कि सर जब हम यहां पर आए और अभी हम जा रहे हैं तो हमें फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी सर पिछले कुछ टाइम से जब आपसे मेरी बात हुई थी मैंने खुद भी रेस करना स्टार्ट किया है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर हमने पहले लाइफ में कभी रेस नहीं किया या बहुत दिनों पहले किया और छोड़ दिया बीच में तो एक बच्चे को रनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी उसके सिन पेन हो जाता है, कभी उसके पैरों में दर्द होने लगता है, सांसें फूलने लग जाती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आपने बच्चों को कैसे हैंडल किया पिछली बार, क्योंकि सबसे अच्छा रेस्पॉन्स अगर मैं कहूं फेज 2 में तो आपका था, मतलब रेस्पॉन्स देखे मेहनत सबने की बट ऐसा क्या किया आपने बच्चों के साथ कि किसी का भी मैं नाम लूं किसी के सामने भी नाम लूं तो आपकी बात करता था, तो क्या प्रोसीजर रहा पिछली बार कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का रहा स्पेशली फिजिकल को लेकर? सर पिछली बार हमारे पास टाइम बहुत कम था फिर भी क्योंकि बारिश का तो बारिश का सीजन था, ग्राउंड में पानी भर जाता था, अभी इस बार हमने पिछली बार से इस बार हमारा ग्राउंड अच्छा है, बहुत अच्छा है बॉल, और पिछले बार हमारे पास एक मैन पावर की कमी थी फिर भी मैंने बहुत वो किया, बच्चों ने सहयोग किया ऐसा मैं नहीं कह सकता, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे है जो बच्चे कुछ तो घर से रनिंग करके आते हैं वो हमेशा दौड़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे रात में पढ़ाई करते हैं उनको फिजिकल का टाइम नहीं कर पाते, उनको हमने यहाँ पर क्या किया पहले दिन हमने उनको किया ग्राउंड के 4 चक्कर करा दिए, ज्यादा एक्सरसाइज कराया, एक्सरसाइज करने में ज्यादा पांव की और पेट की, जिसके पांव मजबूत है पेट मजबूत है उसका रनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। कुछ बच्चे पहले दिन से ही लंबा दौड़ने लग जाते हैं, लंबा बहुत लंबा नहीं करना 2-2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा है क्योंकि 5 किलोमीटर नहीं करना, कुछ बच्चे बोलते 5 किलोमीटर दौड़ते कोई फायदा नहीं, हमने 100 मीटर करना है बस, और वो भी हमारा टाइम बहुत है 7 मिनट। मैं सर आपको बताऊं मेरी एज है, मेरी 53 ईयर्स है,
मैं अभी भी 6 मिनट के अंदर आता हूँ और डेली पीटी करता हूँ 6 मिनट में। 6 मिनट में क्लोज होता हूँ क्योंकि पीछे वाले बच्चों को बताया मैं इनके साथ दौड़ता भी था 1600 मीटर। हाँ 6 मिनट 6 मिनट में 53 की एज है और 6 मिनट में 1600 मीटर आप समझ सकते हैं। तो ये कहते हैं ना फौज का इंसान जो होता है फौजी आदमी जवान, तो वो बुढ़ापे में भी जवान ही रहता है। फौज का जवान मतलब जवान, फौज में भी जवान था जब गया था वो तब भी जवान है और वो अभी भी जवान है। तो ये है फौज के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर ऑब्वियसली बात है, तो फिर आप जैसे मैं कई बार देखता हूँ आप आधा आधा एक एक घंटा बच्चों को पहले स्ट्रेचिंग कराते हैं, ये सब का क्या रोल है इसमें? सर इसमें ऐसा है रूल, अगर जो है मैं तो क्योंकि फिजिकल भी ज्यादा रहा, अगर हम 20 मिनट इसका रूल है 20 मिनट हम दौड़ते हैं कम से कम 40 मिनट हमने उसमें एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेचिंग, क्योंकि पूरा बॉडी का एक्सरसाइज। अगर हम दौड़ने के बाद रुक जाएंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी जाम हो जाएगी, दूसरे आदमी चल मतलब बच्चा चल नहीं पाता। पहले 3 दिन बच्चे आपको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ सर वो तो क्योंकि सच्चाई जानी पड़ती है। अगर मैं नग्नता से आऊंगा भाई बहन से आऊंगा तो बच्चा दौड़ेगा नहीं, उनको डराना पड़ता धमकाना पड़ता और सच्चाई लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर बच्चा आज बोल रहा है जो बच्चा बोल रहा है कि वो देख रहा कि पानी से देख क्या करा था। उनको मैं कर रहा हूँ, मैं अपने चैलेंज करता हूँ, जो बच्चा दौड़ा होगा उसको थकान तो होगा ही नहीं होगा, 1600 मीटर उसने ऐसे ही हवा पार कर दिया होगा और दूसरी जो हम एक्सरसाइज कराते हैं किसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वो पहले हमको सच्चाई लेना पड़ता है। और इसमें कुछ लड़कियां भी ऐसी थी हमारे पास पिछली बार भी, जो लड़कियां बहुत अच्छी दौड़ती हैं, कुछ जो कभी दौड़ी नहीं है उनको भी हमने तैयार किया। कुछ बच्चों को पैर में भी दर्द, किसका पांव क्या है, जो बच्चों को दौड़ने की उनसे अलग कला होती है। हम दौड़ते हैं फ्लैट फुट लेके, अगर फ्लैट फुट लेके दौड़ोगे तो धमाका लगेगा, घुटनों में घुटने खराब होंगे या फिर जो हड्डियां हैं उनमें दर्द होगा। वो हड्डी का अगर हड्डी का दर्द हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। इसलिए क्या हम क्या पहले क्या करते हैं दौड़ा सिखाते हैं कैसे दौड़ना है। अगर मेरे से 200 मीटर 300 मीटर पर लड़का चल रहा है तो मैंने उसको कैसे उसके काटना, उसको पीछे करना है, कवर करना, उसको करना, वो 200-300 मीटर का हमने उसका पीछा कैसे करना है, सांस को कैसे कंट्रोल रखना है और बाजू में क्या अच्छा रहेगी, देखना कहाँ है। दौड़ते तो सर अधिकतर होता है बच्चा दौड़ता है दाम है देखता है, उससे 2 कदम पीछे आ जाता है बच्चा। तो ये एक्चुअली बोला, अगर आप देखना जब दौड़ोगे आप दाम है जाओगे तो आप पीछे आ जाओगे, मतलब आपको एहसास नहीं होगा, ऑटोमेटिक आदमी पीछे हो जाता है। हमने अपने जैसे घोड़ा होता है सर, घोड़ा के क्या होता है कम्बा वाला पट्टी लगी होती है, मतलब पट्टी लगी होती है, क्यों लगी होती है, अपनी सिदाई में दौड़ेगा बच्चा, अपने अगर सिदाई में दौड़ रहा है उसकी निगाह 2-3 फीट आगे है तो वो बाजू का एक्सरसाइज कर सही स्विमिंग कर रहा है, क्योंकि हवा काटना पड़ता है दौड़ में, हमको महसूस नहीं होता है, हम दौड़ते हैं तो हवा काटना पड़ता है, तो हिसाब से हम दौड़ते हैं। और 1600 मीटर तो यहाँ पर 12 मिनट वाले 6 मिनट के अंदर आ रहे हैं, 45 में भी आए ऐसे भी अभी रिकॉर्ड जो बच्चे देख रहे हो बता रहे होंगे कि वो यहाँ 12 मिनट में आते थे वो वहां 6 मिनट में भी आए, 12 मिनट वाला 12 मिनट 6 मिनट में लाए, लेकिन उसको कैसे लाया कैसे क्या एक्सरसाइज, उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराते हैं, उसको अलग से टाइम देते हैं, ग्राउंड में जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद भी कराता हूँ, चाहे हमारे रात के जमीन को बोल रखा बच्चों को, कोई भी बच्चों को कोई समस्या है फिजिकली मेरी गारंटी है, दौड़ में तो मैं फिजिकल में तो मैं गारंटी लेता हूँ। देखो भाई इस चीज में तो मैं जरूर कहूंगा ये बात तो बिल्कुल, और इवन जो बच्चे करके गए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएंगे कि यार मतलब हमने ये चीज देखी है कि एक इंसान सुबह 5 बजे दौड़ने बच्चों के साथ आता है, अगर पहला ग्रुप भागेगा, ऐसा नहीं कि बच्चों को बोल दिया चलो भाई भागो, नहीं, अगर पहला ग्रुप भागेगा तो बच्चों के साथ स्ट्रेचिंग करनी है, खुद स्ट्रेचिंग करनी है, दूसरा ग्रुप भागेगा तो स्ट्रेचिंग करनी है, पहले ग्रुप के साथ चक्कर लगाएंगे दूसरे ग्रुप के साथ भी चक्कर लगाएंगे, अगर दोपहर में कोई आता है तो उसके साथ भी है, शाम को बच्चे आते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को 2-2 टाइम कराया जाता है, कुछ का जिनका ठीक होता है उन्हें एक टाइम में भी कवर हो जाता है, शाम को भी रनिंग करना है, शाम को भी उनके साथ स्ट्रेचिंग करना है। तो मैं तो कई बार ये देखता हूँ सर मतलब हम इस एज में नहीं कर पाते और आप इस एज में भी दिन भर बच्चों के साथ फिजिकल में लगे रहते हैं, और ऐसा मैंने कभी नहीं सर को देखा कि जैसे कई बार होता है कि यार बच्चा आया और उसकी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कई बार ऐसा करके कि नहीं यार ठीक है तुम अपने आप कर लो, और आपने बता दिया ऐसा ऐसा कर लो। मैंने सर के साथ ये बहुत अच्छी चीज देखी है कि वो हर ग्रुप को हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, उसको ऐसा नहीं होगा कि यार चल ठीक है तो हो गया अगर, और दूसरी चीज जैसे मैंने भी बोला पहले 3 दिन में सर ये बात थी, मैंने इसलिए इसको नोटिस किया कि 3 दिन में मुझे कई लड़कियों ने और बच्चों ने भी बोला लड़कों ने कि सर फिजिकल में दर्द हो रहा है ये हो रहा है और पांडे सर ऐसा कराते हैं वैसा कराते हैं, सर मना कर दो थोड़ा कम कर दो, मैंने आपको इवन कहा भी था कि सर थोड़ा कम हाथ रखो इनके ऊपर है ना। तो लेकिन वही चीज जब वो जा रहे थे और मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि यार उस समय तो पांडे सर के बारे में ये बच्चे ऐसा ऐसा बोलते थे और आज जब जा रहे हैं तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं इनके बारे में। तो मैंने तभी आपसे कहा था, मैंने कहा सर स्टार्टिंग में जो आपने किया मैं आपको बोल रहा था कि हाथ कमर को सॉरी उसके लिए, और जैसा आपने किया वो ठीक है, क्योंकि देखिए
अब जैसे मान लो मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आप मुझे कहें सर इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा दीजिए, तो मुझे पता है उसके बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जैसा आपका है फिजिकल के बारे में तो आप जानते हैं बेहतर कि कैसे बच्चे को हैंडल करना, ट्रीट करना, क्योंकि देखिए बच्चा तो चाहता है आसान हो जाए बट आसान नहीं होता इतना, वो चाहता है कि टाइम भी आ जाए, मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन दर्द तो होगा ही क्योंकि जब पहले नहीं किया हुआ है। तो ये चीज है, मतलब ये तो बहुत अच्छा सर के बारे में है कि एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन रहती है और जब तक उसको प्रॉपर, और ऐसा नहीं फील होने देंगे बिल्कुल कि भाई तुमने पहले कभी रनिंग नहीं किया है, पहले फिजिकल नहीं किया है, वो सबसे अच्छी चीज है। तो सर इस बार जैसे बच्चे अभी 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और पहला बैच तो 23 अक्टूबर से है, दूसरा दिवाली के बाद में है, तो बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? और जैसे खाने को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखिए घर से जब बाहर निकलता है तो माँ के हाथ की रोटी तो कहीं नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन क्या चीज है जो सर डाइट, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है आप जानते हैं, तो क्या चीज है जो डाइट में स्पेशल आपको हेल्प करती है जो बच्चे घर से लेकर आ सकते हैं, उस चीज के बारे में आप सर डाइट बताओ। डाइट में कोई इतना खाने की जरूरत नहीं है, हम अगर मूंग और चने भिगा के सुबह पिए, मूंग दाल और चने सबसे अच्छी डाइट, इसके बिना कोई डाइट ही नहीं है। और तो सब दूध दाल सब बर्बाद बाजी, मैंने अभी तक दूध नहीं पीता, ना अंडा खाता हूँ ना मीट खाता हूँ, मैं कहता हूँ दिल की होती बीमारी, क्योंकि मैंने कल शाम को दूध पिया, सुबह थोड़ा रहा, मैंने 1 लीटर दूध पिया, आदमी का मुराल मुराल तो होता है, अगर आने वाले यार तो खाता नहीं पीता नहीं, कहाँ दौड़ पाऊंगा, तो दौड़ भी नहीं पाए, मुराल पर होता है। खाने जो अगर जो बच्चे आते हैं कुछ अपना ड्राई फ्रूट घर से लिया है, यहाँ पर अपना चना और मूंग भिगा लिया, वो खा लिया, छुआरे खा लिए, वो सबसे अच्छा डाइट, सबसे अच्छा, और कुछ नहीं है ये दिल्ली बारी, यहाँ पर बच्चा आ गया सर मेरी गारंटी है, मैं इस बार करूंगा, और इस बार तो मौसम अच्छा है, इस बार तो बारिश भी नहीं है, इस बार तो गर्मी भी नहीं, गर्मी नहीं, और मैं कर रहा हूँ मैं इनको 5 मिनट भी ला सकता हूँ, 31 बताऊंगा, 31 सेकंड नहीं होती है, क्योंकि मैं दौड़ने, मेरे को पता है बच्चे को करने में कैसे करता हूँ, बच्चे को करने में भी आता है, क्योंकि बच्चा एक दिन दौड़ेगा दूसरे दिन उसको दौड़ ही नहीं पाएगा, हमको धीरे धीरे करना है, किस कौन सी एक्सरसाइज मैंने करानी है, कैसे बच्चा चलेगा, वो एक्सरसाइज में कराता हूँ, और बच्चे बोल भी रहे बोला जी बहुत, मतलब आपके आपको इस बार लाने का रीजन ही ये था कि बच्चों ने इतना बोला कि सर पांडे सर के बारे में, तो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यार उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि सारा क्रेडिट जो है हम लोग ले जाते हैं, जबकि मेन काम तो देखिए अगर आप बच्चा रनिंग नहीं करेगा, फिजिकल क्वालिफाई नहीं करेगा, तो वो जीडी तक पहुंचेगा ही नहीं, तो मतलब हमारा गेम तो शुरू ही तब होता है जब आपसे बच्चा पहले पास होके निकलेगा, अगर वो फिजिकल प्रोसेस क्लियर नहीं करेगा, पहले रनिंग पूरी नहीं करेगा, तो उसको बाहर से बाहर ही भेज दिया जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि सर एक्चुअल में तो अगर देखा जाए तो 50% तो सर का रोल है, जो कि बहुत अच्छे से मतलब सर ने कराया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी भी इवन मेरे पास मैसेजेस बच्चों के आए कि सर इस बार सर पांडे सर से, और अच्छा कई बच्चों को ये था कि पांडे सर है या नहीं है वहां पर, ये भी डाउट था, तो मैंने कहा नहीं नहीं बच्चे पांडे सर है और उनकी टीम जो है इस बार और अच्छे से वो तैयार कर रहे हैं अपनी टीम को, तो इस वजह से मुझे आपके साथ ये सेशन करना था। और जो स्टूडेंट पिछली बार करके जा चुके हैं तो भाई मैं तो बोलूंगा भी नहीं, और वो खुद जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे पांडे सर के बारे में, और पांडे सर खुद रिप्लाई करेंगे उनका, इस बार मैं भी नहीं करूंगा ना कोई टीम का मेंबर करेगा, ठीक है? तो जो स्टूडेंट करके जा चुके हैं वो बताएंगे, और बाकी जिन बच्चों का भी स्टार्ट होने वाला है फेस टू का सेशन, तो वो बच्चे सर ने बता ही दिया है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और इवन स्पेशली गर्ल्स जिनको ये टेंशन रहता है कि फिजिकल कैसे होगा, डरने की जरूरत नहीं है, खाने के लिए पांडे सर ने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज हो तभी आप फिजिकल कर पाएंगे, चना मूंग दाल और ये बेसिक चीजें जो सर ने बताई हैं, और बाकी तो देखिए घी अपना बच्चे घर से लाते ही हैं, और कुछ लड्डू बना के लाते हैं जैसे राजस्थान वाले हैं, दाल बाटी वो सब चलता ही है, तो वो तो देखिए आपकी अपनी चीजें हैं, बट ये नहीं सोचना है कि अगर हमें खाने को प्रॉपर उतना नहीं मिलेगा तो हमसे रनिंग नहीं होगी, ये सिर्फ माइंड का गेम है, ये बिल्कुल सही बात है। सर फौज में भी तो ऐसा होता है कि महीने महीने भर तक बाहर पड़े रहते हैं फिर भी वो डटे रहते हैं, तो ये तो मॉरल है, मॉरल है ये जो आदमी को ऊपर रखता है, तो ठीक है भाई। और बाकी कोई भी चीज अगर आपको इसके एक्स्ट्रा अगर कोई चीज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं पांडे सर के साथ। और भाई पांडे देखो 6 मिनट का टाइम बोल दिया तो मैं तो चैलेंज नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा तो 6 मिनट अभी तक भी नहीं आया है, सच बताओ मैं तो 6.5 मिनट में बड़ी मुश्किल से कोशिश की है, लेकिन तुम लोगों को चैलेंज जरूर कर दूंगा स्टार्टिंग में। और बाकी तुम्हें से अगर कोई ऐसा है कि जो ये कहे कि पांडे सर के साथ मेरा कंपटीशन होगा, तो भाई बिल्कुल पहले दिन ही आते ही सबसे पहले पांडे सर के साथ आपकी एक रनिंग होगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जो कर रहे होते हैं, तो और रखेंगे एक रेस तो मैंने आपको बताई है प्राइज वाली, और जो जीतेगा वही प्राइज लेके जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द ही, और
बस मैं यही कहूंगा, आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। 23 तारीख को फेस टू का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी तरफ से और पांडे सर की तरफ से आप सभी को जय।